सीतापुर में आवारा गोवंशों को सरकारी भवनों और विद्यालयों में बंद करने के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। रविवार को लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में आक्रोशित किसानों ने लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा के गांव खैरुल्लापुर स्थित कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में निराश्रित गोवंशों को विद्यालय के गेट का ताला तोड़कर बंद कर दिया। विद्यालय में तकरीबन 5 घंटे तक गोवंश कैद रखे गए। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को लगी। सूचना पर तहसीलदार लहरपुर शशिविंद द्विवेदी, तालगांव थाना प्रभारी वीएस तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि जब तक आवारा गोवंशों को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक स्कूल से गोवंशों को नहीं निकाले देंगे। क्लाइमेट, संस्कृति अलग अलग है जी, बिल्कुल। तो हर स्टेट का कानून अलग अलग बने हैं, कुछ कानून सबके लिए पूरे इंडिया बने हुए पशु संरक्षण समिति बनी है, पशुओं को संरक्षण करने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी लहरपुर की है, वीडियो लहरपुर की जिम्मेदारी है, वीडियो पर्सेंडी की जिम्मेदारी है। आपके जानवर हमारे खेत में लेने के आते हैं, तो बताओ इनके लिए सहयोग। चलो ठीक है, हम कही रहे अभी पीट तो मैं जानो इतने हाथ के ला रहे हैं, उचित नहीं है। अच्छा सर, हमारे जानवर जो किसानों को मार दिए जानवर, उसके लिए आपके लिए क्या? नहीं नहीं, आप बता रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं, जो हमारे अरे हम बता रहे हैं आपको, बता बता रहे कौन किसान है कौन क्या है, कहा उन्हें मतलब थोड़ा को मार डाला है ये कुछ मतलब नहीं सर। ठीक, उसका क्या उपाय आप मतलब, तो इसका ये मतलब है कि जो अगर जो किसानों को हत्या कर रहा है तो करने दिया जाए, उसको पकड़ा है, कौन पकड़ेगा? अभी तक भारी प्रभाव में जो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, जिसने कांड किया था वो अभी तक ऊपर फिर से काम चालू है। एजेंट साहब से हम लोग कई बार मिले, 4 लाख रुपए की चेक दे करके आप पल्ला झाड़ रहे हैं, 4 लाख रुपए की आप चेक दे देंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं तो एसडीएम को तो ज्ञापन दिया गया था कि लगातार तहसील में 3 बार 18 तक हमने टाइम दे दिया कि 18 तक आप इन जानवरों को आप संरक्षित करें, अगर जो 18 तक नहीं करेंगे 20 तारीख को मैं अला करके आपको आपके हम सुविधा दे सकते हैं। नहीं नहीं, आप आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे भी हम लोग डॉक्टर डाले अपन बंदे दी बार टैग कर ले, यहीं से जहां बताएं वहां छोड़ दें, हम लोग गौशाला में छोड़ी है। किसान की समस्या इस समय पर बहुत बड़ी है, गेहूं तैयार है चल जाएगा, उसके बाद किसान खाएगा। तहसीलदार शशिविंद द्विवेदी ने विद्यालय में बंद गोवंशों को गौशाला में न के भेजने का आश्वासन दिया, बल्कि उन्हें बसंतीपुर स्थित गौशाला में भिजवाना शुरू भी कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंशों को गौशाला भेजा गया। देर रात करीब आधा सैकड़ा आवारा गोवंश बसंतीपुर की गौशाला में संरक्षित कर दिए गए, लेकिन वहां के ग्रामीणों का कहना है कि ये गौशाला में पहले से ही 300 से अधिक जानवर संरक्षित हैं। ऐसे में गौशाला में जानवरों को रख पाना संभव नहीं है। बताया जाता है कि विद्यालय से आवारा गोवंशों को ट्राली में भूसे की तरह भरकर रस्सियों में बांधकर गौशाला पहुंचाया गया। तहसीलदार ने ग्रामीणों को यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके गांव में गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। किसानों का आरोप है कि आवारा गोवंश लगातार उनकी फसलों को ना कि तहस नहस कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह से चट कर जा रहे हैं। हालात ये हैं कि उनकी लागत निकालना भी मुश्किल है। यही आलम रहा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।